गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनक फलन में से किसी बच्चे ने पूछा है एग्जाम्पल नंबर 11.12.3, उसको करवा देते हैं। अब देखते हैं क्या है वो एग्जाम्पल। क्वेश्चन और एग्जाम्पल उसको करते रहे और पूछते रहे। देखें एग्जाम्पल है हमारा कौन सा, 11.12.3। क्या कह रहा है इसमें, जी एक्स दे रखा है, जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर फोर अपॉन 1 - 2x। ठीक है, इसका वो संख्यांक फलन पूछ रहा है। इसमें क्या ज्ञात करना है, संख्यांक फलन क्या होता है हमारा, AR। संख्यांक फलन AR पूछ रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स का नीचे हर के गुणनखंड करेंगे जो कि पहले से हुए पड़े हैं। गुणनखंड तो हुए पड़े, अब क्या करेंगे इसमें, इसको ऊपर लेके जाएंगे। 1 - x और 1 + x की फॉर्म पहले से बनी पड़ी है, तो जी एक्स कैसा रह जाएगा हमारा, जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 जैसे तैसे 1 - 2x की पावर क्या, -1। दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, और इसका हम प्रसार करेंगे 1 - x की पावर -1 से। तो इसका प्रसार क्या आएगा, 1 + 2x, फिर क्या आएगा 2x का स्क्वायर, फिर कितना 2x का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस कहीं ना कहीं पर क्या आएगी, 2x की पावर r आएगी प्लस डॉट डॉट। ठीक है, देखना ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से x की पावर r का गुणांक करने के लिए हम पहले के होल स्क्वायर वगैरह पावर्स को ओपन कर लेते हैं। तो x की पावर 4 तो है जैसे एक तरह से 1 + 2x प्लस ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया 2 का क्यूब और x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर r और x की पावर क्या r प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें हम x की पावर 4 का गुणा करवा देते हैं। x की पावर 4 का गुणा करवाने पर क्या होगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 2 का स्क्वायर, x की पावर कितनी, x की पावर 6 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 का क्यूब और x की पावर 7 हो जाएगी प्लस डॉट डॉट प्लस 2 की पावर r और x की पावर क्या हो जाएगी r प्लस 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें से x की पावर r का गुणांक ले रहे हैं, x की पावर r का गुणांक लेने पर x की पावर r का गुणांक ले रहे हैं। तो देखो यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ x की पावर r प्लस 4 है। तो हमें तो केवल x की पावर r चाहिए, ना कि r प्लस 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पावर यहाँ 7 है तो उससे 4 कम है, 3। 4 कम करने पर ये 2 की पावर आ रही है। 6 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 घात आ रही है, यानी कि 6 में से 4 घटा दें तो 2 आ जाएगी। ऐसे हम यहाँ से 4 कम कर दें, इसमें से 4 कम कर दें, यहाँ भी 4 कम कर दें, तो x की पावर r मिल जाएगा। x की पावर r बनाने के लिए इसमें से 4 घात कम करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी हम 4 घात कम करेंगे। तो x की पावर r का गुणांक लेने पर AR संख्यांक फलन मिलेगा क्या, 2 की पावर कितनी r माइनस 4। 4 घात कम करेंगे, यहाँ भी 4 घात कम करेंगे, 4 से 4 घात कट जाएगी, x की पावर r रह जाएगी, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2 की पावर r माइनस 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ये पेज नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा है किसी बच्ची ने, उसको देखते हैं अब क्या है वो। एग्जाम्पल है 11.12.9। एग्जाम्पल कौन सा है, 11.12.9। इसमें क्या सिद्ध करवा रहा है वो, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमको,
आर बराबर जीरो से एन और एन सी आर का स्क्वायर बराबर लाना है टू एन सी एन, ठीक है, बराबर इतना लाना है। तो इसमें टू एन सी एन क्या चीज होगी, टू एन सी एन हमारा होगा वन प्लस एक्स की पावर टू एन में एक्स की पावर एन का गुणांक। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, ऊपर टू एन आ रहा है, अब वन प्लस एक्स की पावर टू एन लेने पर, वन प्लस एक्स की पावर टू एन ले रहे हैं तो देखते हैं इसका क्या आता है। वन प्लस एक्स की पावर टू एन को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन टू एन लिख लेते हैं पहले, दिस इक्वल टू क्या, वन प्लस एक्स की पावर एन का क्या होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर क्या आएगा, ये वन प्लस एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर है, क्या आ जाएगा एन सी जीरो, फिर क्या आएगा एन सी वन एक्स, फिर कितना एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, लास्ट का पद क्या होगा एन सी एन एक्स की पावर क्या एन, ठीक है। और इसका क्या है स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार कर दिया, एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एन सी एन एक्स की पावर एन, इसका स्क्वायर और है, स्क्वायर है तो हम इसको दो बार लिख लेते हैं, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन में गुणा कितने का, एन सी जीरो प्लस क्या एन सी वन एक्स प्लस कितना एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना एन सी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। इधर को क्या चल रहा है हमारा, वन प्लस एक्स की पावर टू एन, इधर वन प्लस एक्स की पावर टू एन है, और ये जो स्क्वायर है इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया है, दो भाग कर लिए इसके, हम क्या करेंगे दोनों ओर से x की पावर n का गुणांक लेंगे, दोनों ओर x की पावर n का गुणांक लेने पर, दोनों x की पावर n का गुणांक लेंगे तो इसमें से x की पावर n का गुणांक क्या आएगा, x की पावर n का गुणांक आएगा इसमें 2n सी एन, 2n सी एन जो हमारा ये वाला है, ये वाला प्राप्त होगा 2n सी एन, इसका हम प्रसार करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी 2n सी एन, x की पावर n का प्रसार, x की पावर n का गुणांक आएगा यहाँ पर, देखो x की पावर n का गुणांक कहाँ से आएगा, इस पद का गुणा यदि हम इसके फर्स्ट पद में करें तो x की पावर n बन जाएगा, हमारा काम है x की पावर n बनाना, x की पावर n का गुणांक चाहिए तो एन सी एन एक्स की पावर n का गुणा एन सी जीरो में करेंगे तो x की पावर n ये वाला आएगा, तो गुणांक चाहिए, गुणांक क्या आ जाएगा एन सी जीरो आ जाएगा और एन सी वन आ जाएगा, ठीक है। उससे फिर जस्ट पहले वाले पद का गुणा इसमें करेंगे एन सी वन में, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा एन सी वन और यहाँ पर क्या आ जाएगा एन सी एन है ये, यहाँ पर आ जाएगा एन सी एन माइनस वन, इससे जस्ट पहले वाला पद क्या होगा एन सी एन माइनस वन आएगा उसमें, उसका गुणा इसमें करेंगे तो एन सी वन और एन सी एन माइनस वन, फिर नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे पदों का गुणा होगा, अब इस एन सी जीरो का गुणा यहाँ कर देंगे, एन सी जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की पावर एन बनेगा, एक्स की पावर एन बनेगा तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा एन सी एन और एन सी जीरो, तो प्लस डॉट डॉट हमारा लास्ट टर्म क्या रह जाएगा एन सी एन और एन सी जीरो, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, टू एन सी एन तो है ही है, एन सी जीरो हमारा जो आंसर है वो एन सी आर है, एन सी आर, तो यहाँ पे हम ऐसी फॉर्म बनाएंगे स्क्वायर और लाना है हमको, स्क्वायर और लाना है तो हम क्या करेंगे जो दूसरे वाला एन सी एन है इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एन सी आर बराबर किसके होता है एन सी एन माइनस आर, तो ऐसे हमारा ये एन सी एन माइनस एन क्या हो जाएगा एन सी एन माइनस एन हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा दिया वो वाला, ये हमारा क्या है सूत्र है,
तो उस वाले फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर NC1 और NCN में से इसको हटा देंगे, N-N-1 प्लस डॉट डॉट और भी आएंगे बहुत सारे। फिर NCN को तो जैसे तैसे रखेंगे, NC0 में लगाएंगे, क्या आएगा? NCN-0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2NCN तो है ही है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC0 और NC0, N-N करेंगे तो NC0 आएगा। फिर प्लस क्या आएगा, NC1, यहाँ NCN कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, NC1 प्लस डॉट डॉट। लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, NCN, NCN तो है ये भी क्या रह जाएगा, NCN। ठीक है, तो ऐसा प्राप्त हो जाएगा हमें। ये हमारा पेज नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहां तक। बता देते हैं इसको, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2NCN तो है ही है, 2NCN तो है ही है, क्या कहलाएगा, NC0 का स्क्वायर प्लस ये वाला दूसरा पद क्या होगा, NC1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या होगा, NCN का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो 2NCN बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिग्मा NCR लिख लें, और R हमारी कहाँ से, 0 से लेकर N तक, 0 से लेकर कहाँ तक है, नीचे वाला R, 0 1 2 कहाँ तक है, N तक। तो R बराबर 0 से लेकर N तक, और यहाँ स्क्वायर और है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और ऐसा ही हमको ये प्रूफ करना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब फिर से उसी में आ जाते हैं, पुनरावृत्ति संबंध में। और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना कमेंट करके या मैसेज करके। और देखते हैं अगली एक्सरसाइज, जो पुनरावृत्ति संबंध चल रही थी एग्जाम में, उसको देखना करके। नहीं समझ में आए पूछ लेना कमेंट या मैसेज करके। अब उसमें से एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। एक्सरसाइज है 11.2। एक्सरसाइज है 11.2, इसका क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसका क्वेश्चन 2, 2 का सेकंड ले लेते हैं। इसके हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करवा दिए थे, जो लास्ट बचा हुआ है सेकंड वो भी करवा लेते हैं। क्या है इसमें, क्वेश्चन दे रखा है क्या, ए आर और क्या है, -7 AR-1 प्लस 10 और क्या है, AR-2 बराबर है 7 × 3 की पावर आर और प्लस कितना है, 4 की पावर आर। ठीक है, ऐसा है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले अल्फा समीकरण निकालेंगे इसकी, अल्फा समीकरण क्या हो जाएगी, AR AR-1 AR-2 है, -2 है, 2 आ रहा है इसमें, तो AR की जगह क्या लिखा जाएगा, अल्फा स्क्वायर, फिर 7 अल्फा, फिर प्लस क्या आएगा, 10 बराबर कितना, 0। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इसकी जगह अल्फा हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1। अब 10 के ऐसे खंड के साथ आ जाए, 5 × 10 हो जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा -2 अल्फा प्लस 10 = 0। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो अल्फा -5 आएगा और अल्फा माइनस क्या आएगा, 2 बराबर क्या, 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक तो 2 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी, 5। अल्फा की वैल्यू 2 और 5 हो गई। ठीक है, हमारा सी एस कैसे लिखा जाएगा, इसलिए CS C1 2 की पावर आर और C2 क्या, 5 की पावर आर, ये हमारा क्या हो गया, सी एस।
टू यहाँ से ले लिया है, फाइव यहाँ से ले लिया है। अब हम बात करेंगे इसके पीएस की, तो पीएस हमें पता चलेगा इस एफआर से किस टाइप से लिखा जाएगा वो। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मिटा देते हैं इसको। क्योंकि एफ आर हमारा कैसा है, सेवन इंटू थ्री की पावर आर प्लस फोर की पावर आर ऐसा है, तो पी एस कैसे लिखा जाएगा, दिस इंप्लाइज पी एस इक्वल टू, देखो यहाँ कोई कॉन्स्टेंट है तो हमारा भी कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा थ्री की पावर आर, फोर की पावर आर है, यहाँ कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो नया कॉन्स्टेंट हम बी लिखेंगे, बी इंटू फोर की पावर आर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या पी एस। अब इसमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें किसी आर का गुणा कराने की आवश्यकता है, यानी कि अल्फा का कोई मान इन बीटा से थ्री और फोर से मैच कर रहा है क्या, इन थ्री और फोर से मैच कर रहा है क्या कोई अल्फा का मान, कोई भी मैच नहीं कर रहा, ये दो और पांच है और ये तीन और चार है, मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आर से या आर स्क्वायर से या आर क्यूब से गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक मान मैच करता तो हम आर का गुणा करवा देते, उसमें मान लो ये दो होता तो इसमें आर का गुणा करवा देते, मान लो ये पांच होता तो इसमें आर का गुणा करवा देते, ठीक है। तो दो और पांच कोई सा नहीं मिल रहा है तो किसी भी आर की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा क्या है पी एस। अब हमारा काम है ए और बी के मान निकाले, ए और बी का मान निकालने के लिए पी एस कहाँ रखना पड़ेगा हमें, पुनरावृत्ति संबंध समीकरण एक में। तो समीकरण कौन से में, एक में मान रखने पर, एक में मान रखेंगे तो क्या आएगा, ए आर है तो यानी आर आर ही रहेगा, तो ये पी एस जैसे तैसे लिखा जाएगा यहाँ पर क्या, ए इंटू थ्री की पावर आर प्लस बी इंटू फोर की पावर आर, फिर माइनस सेवन, ए आर माइनस वन है तो इस पी एस को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, आर की जगह आर माइनस वन रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ए इंटू थ्री की पावर आर माइनस वन प्लस बी इंटू क्या, फोर की पावर आर माइनस वन, ठीक है। तो ए आर माइनस वन हो गया, फिर प्लस टेन, प्लस टेन क्या है ए आर माइनस टू, ए आर माइनस टू का मतलब क्या है, जो हमारा पी एस है उसमें आर की जगह आर माइनस टू रखना है, तो ए इंटू थ्री की पावर आर माइनस टू प्लस फोर प्लस बी और है इसमें b इंटू फोर की पावर r माइनस टू, बराबर में क्या है, बराबर में सेवन इंटू थ्री की पावर r प्लस फोर की पावर r, सेवन इंटू थ्री की पावर r प्लस फोर की पावर क्या r, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तो पिछला भाग दिख नहीं रहा है उसको थोड़ा बदल लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं इस पार्ट को, तो ये आएगा क्या प्लस टेन, और क्या था उसमें टेन ए आर माइनस टू था, तो ए थ्री की पावर आर माइनस टू प्लस बी इंटू फोर की पावर आर माइनस टू, बराबर में क्या, बराबर में क्या था सेवन इंटू थ्री की पावर आर, सेवन इंटू थ्री की पावर आर प्लस फोर की पावर आर, अब लिख रहा होगा ये वीडियो में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें थ्री की पावर आर के गुणांक की तुलना करेंगे, इसमें फिलहाल कोई भी कट नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं थ्री के पावर आर के गुणांकों की तुलना करने पर, थ्री की पावर आर के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, तो थ्री की पावर आर का गुणांक यहाँ ए है, ए लिख लिया, फिर नेक्स्ट देखते हैं ये रहा थ्री की पावर आर, गुणांक ए है और थ्री की पावर माइनस वन और है और माइनस सेवन और है, तो ये क्या आएगा माइनस सेवन ए और थ्री की पावर कितनी माइनस वन, और देखो थ्री की पावर आर ये रहा थ्री की पावर आर, इसमें थ्री की पावर माइनस टू है, ए है और दस है, तो ये क्या आएगा दस ए और थ्री की पावर कितनी माइनस टू, ठीक है,
दिस इक्वल टू, और तो यहाँ पर कोई थ्री की पावर है नहीं, इधर आर एच एस में थ्री की पावर गुणन क्या उसका सेवन। इसको सॉल्व करके हम ए का मान निकालेंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा ये सेवन ए अपॉन थ्री प्लस ये क्या हो जाएगा टेन ए अपॉन नाइन इक्वल टू सेवन। थ्री की पावर माइनस टू, थ्री की पावर माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन। तो नीचे पहुंचा दिया है वो, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा नाइन ए माइनस ट्वेंटी वन ए और प्लस टेन ए इक्वल टू क्या सेवन। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, दस और नौ उन्नीस हो गए माइनस के लिए, तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा माइनस का टू ए अपॉन नाइन इक्वल टू सेवन। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी ए इक्वल टू मिल जाएगा इसका माइनस में दो नीचे आ जाएगा माइनस के तिरसठ बटे दो। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई ए की। अब हमारा बी रह गया, तो ये थ्री की पावर आर के गुणांकों की तुलना से मिला, अब हम क्या करें फोर की पावर आर के गुणांकों की तुलना कर देते हैं। फोर की पावर आर के गुणांकों की तुलना करने पर तो फोर की पावर आर देखो यहाँ पर क्या है, फोर की पावर आर यहाँ पर बी है, फोर की पावर आर बी है यहाँ पर, यहाँ पर देखो फोर की पावर आर बी है और माइनस वन और है फोर की पावर और माइनस सेवन का मल्टीप्लाई, तो माइनस सेवन बी और फोर की पावर क्या माइनस वन। यहाँ पर देखो फोर की पावर आर का गुणांक बी और फोर की पावर माइनस टू भी है और दस और है, तो ये हो गया क्या टेन बी और फोर की पावर माइनस टू। उधर देखो आर एच एस में फोर की पावर आर का गुणांक बताओ क्या है, कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे हम वन। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये b माइनस क्या रह जाएगा सेवन बी अपॉन फोर और ये कितना हो जाएगा टेन बी अपॉन सिक्सटीन बराबर क्या वन। इसको सोल्व करके हम b का मान निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम सिक्सटीन आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर क्या आएगा सिक्सटीन बी माइनस क्या आएगा चार से भाग लगा दे तो अट्ठाईस आ जाएगा ये माइनस के अट्ठाईस बी और क्या आएगा सोलह का भाग लगाएंगे तो प्लस के कितने दस बी बराबर क्या एक। इसको सरल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ये पेज नंबर कौन सा है चौथा, मिटा देते हैं इसको। इसको थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा सोलह भी और दस भी छब्बीस भी हो गए माइनस के अट्ठाईस भी, तो माइनस का कितना रह गया टू बी अपॉन में कितना सिक्सटीन बराबर एक। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी सोलह का गुणा इसमें माइनस के आठ मिल जाएगी बी की वैल्यू। तो इसलिए हमारा पी एस क्या हो जाएगा, पी एस हमारा क्या था ए इंटू थ्री की पावर आर प्लस बी इंटू फोर की पावर आर। ए का मान निकाल चुके, ए का मान क्या बना था माइनस के तिरसठ बटे दो इंटू थ्री की पावर आर, बी का मान क्या मिला है माइनस आठ, तो माइनस आठ इंटू कितना फोर की पावर आर। तो ये हमारा पी एस मिल गया। अब हल क्या होगा इसका, हल ए आर बराबर कितना सी एस प्लस पी एस, तो ए आर बराबर सी एस कितना आया था सी वन टू की पावर आर और सी टू फाइव की पावर आर, ये सी एस आया था और पी एस क्या है माइनस के तिरसठ बटे दो और थ्री की पावर आर माइनस आठ इंटू क्या फोर की पावर आर, यही हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, औरों को देखना करके जितने भी हो जाए और पूछना। ये हमारा पेज नंबर फाइव है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक।